हेलो फ्रेंड्स। तो आज अपन बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CU CET के बारे में। तो यार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का प्रोसेस है, बहुत दिनों से चल रहा है, बहुत मतलब बहुत लेट है ये। ठीक है, मतलब एडमिशन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइमिंग लग रहा है। ठीक है, अब जो प्रोसेस होगा वो बहुत जल्दी जल्दी होगा। एडमिशन ऑलरेडी ऑलमोस्ट जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो अप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सब कुछ हो चुका है। और अगर अपन बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रिजल्ट की, तो ये यार 13, 14 और 15, ठीक है, यानी 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को किसी भी दिन आ सकता है, किसी भी जो बजे। ठीक है बच्चा पार्टी, तो अब यार इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं कि कितना कट ऑफ रहेगा। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो यूजी कोर्सेस है उसके जो मार्क्स थे वो 400 नंबर का पेपर था, तो 400 नंबर के अंदर कितने मार्क्स आने चाहिए कि एटलीस्ट तुम्हारा एडमिशन हो जाए अच्छी ब्रांच के अंदर, जैसे लाइक CS है, मैकेनिकल है, ऐसी जो भी ब्रांचेज होती है उसके अंदर तुम्हारा IT के अंदर आसानी से हो जाए, तो कम से कम कितने मार्क्स आने चाहिए 400 में से। तो बच्चे 400 में से अगर अपन बात करें तो तुम्हारे एटलीस्ट 330 नंबर आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 330 नंबर के अंदर तुम जो चाहोगे वो चॉइस प्लेन मिल सकती है तुम्हें। अब यार इसके अंदर सबसे बड़ा प्रोसेस ये होता है कि इसके अंदर कोई एक कमिटी नहीं होती कि एक जगह अगर तुमने अप्लाई कर दिया तो तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, जिस जहाँ पे तुम्हें एडमिशन चाहिए हर जगह अलग अलग अप्लाई करना पड़ता है, हर जगह काउंसलिंग फीस देनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो कुछ जगह ऐसा भी होता है कि वो ऑलमोस्ट सारी फीस ही ले लेते हैं एडमिशन से पहले, बाद में काउंसलिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, तो यार ऑलमोस्ट बच्चों को ये मतलब कंफर्टेबल नहीं रहता, तो वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस बताना चाहूंगा कि अभी जस्ट 2-3 मुझे कॉल रिसीव हुई है बच्चों के बिहार के। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भर रखा था, उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ठीक है, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है उनके लिए स्पेशल ये नोटिस है कि उन बच्चों को ये पता ही नहीं चला कि एग्जाम कब हुआ कब नहीं हुआ। ठीक है, बोल रहे भैया हमें तो ये नोटिफिकेशन अब मिला है, मैंने तो आज वीडियो देखा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एडमिशन मतलब एग्जाम है वो हो चुका है और एप्लीकेशन फॉर्म बच्चों का भरा हुआ ऐसा ही रह गया। ठीक है, जिन बच्चों ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एडमिशन मतलब जो एग्जाम नहीं दिया है उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर चाहे तुम्हारी 0 मार्क्स है, माइनस में है, फिर भी हम एडमिशन करवा देते हैं, लेकिन एटलीस्ट तुम्हारे पास स्कोर कार्ड होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो माइनस में नंबर का हो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिनिमम स्कोर कार्ड तो चाहिए चाहिए किसी भी हाल में। ठीक है, अगर तुम्हारे पास स्कोर कार्ड नहीं है तब तो एडमिशन 0% चांसेस है। ठीक है, 0 नहीं 1% चांसेस है। ठीक है, वैसे बहुत हो जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ 1% चांसेस ही कहूंगा। ठीक है, ऑलमोस्ट चांसेस खत्म हो जाते हैं तुम्हारी। तो यार अब जस्ट ये पॉसिबल नहीं है कि सभी बच्चे सब जगह अप्लाई करें, किसी को उसका नॉलेज नहीं है कि पढ़ाई करें, कि इसका नॉलेज रखें। ठीक है, तो अभी अपन नवरात्रा स्पेशल स्पेशल प्लान चल रहा है हमारा। ठीक है, और जो 20,000 रुपये की सीट है वो 5,999 रुपये में मिल रही है। ठीक है, तुमको दिखा देता हूँ क्या प्लान है यार। प्लान चल रहा है अभी। ठीक है, 15-16 अक्टूबर तक वैलिड है। ठीक है, वैसे रियल प्राइस अगर बात करें, गारंटेड एडमिशन है इसके अंदर, लिमिटेड टाइम ऑफर है, 5,999 रुपए के अंदर पूरी काउंसलिंग होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। ठीक है, और कोई भी नहीं दे रहा है इंडिया के अंदर। ठीक है, जो बच्चे बहुत ज्यादा महान बन रहे हैं, जैसे रीप के अंदर बहुत सारे बच्चों को देखा गया बाद में आए भी वो कि सर हमने सेकंड नंबर पे प्राइवेट कॉलेज फिल कर दिया, हमें वो सेकंड वाला मिल गया, अब क्या करें, या फिर हमने लॉक कर दिया। ठीक है, कुछ बच्चों की जो लॉकिंग हमने कैंसिल भी करवाई है रीप से। ठीक है, जिन बच्चों ने लॉक कर दिया था तो उनको इंडिविजुअली लॉकिंग कैंसिल करवाई है रीप से रिक्वेस्ट करके। ठीक है, जस्ट कैंसिल भी की गई है उनकी लॉकिंग, फिर से जो फिल की गई हमारी तरफ से स्पेशली। ठीक है, तो ये स्पेशल बेनिफिट्स हो सकता है आपको। ठीक है, इस प्रकार का। ठीक है, जस्ट लाइक रीप से लॉकिंग कैंसिल करवाई गई और फिर से उनकी लॉकिंग की गई, क्योंकि कुछ बच्चों ने जो है ठीक से फिल नहीं की थी। आप अपने यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है फिल करके पेमेंट करने के बाद विदिन 1 to 5 hours के अंदर हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेती है, जब भी आप पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, या फिर आप डायरेक्टली जो है स्क्रीनशॉट और अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, नीचे व्हाट्सअप दिया गया है। ओके बच्चा पार्टी, तो चलते हैं फिर अपने जो अपना शिकार है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर। ठीक है, तो यार घबराने की जरूरत नहीं है, जिनके माइनस में नंबर आ रहे हैं 0 आ रहे हैं इस बार वो तो चक्कर ही नहीं है 0 वाला, क्योंकि 400 नंबर का पेपर हुआ, पहले 100 का पेपर होता था तब आता था माइनस में 0। ठीक है, अब एटलीस्ट तुम्हारे 100 तो आ ही जाएगा नॉर्मली। ठीक है, 150 मान लो 50 तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो जितने ज्यादा मिनिमम मार्क्स होते हैं उतने पे ही करवा देते हैं, तो जितने माइनस में अगर 100 होते हैं तो भी करवा देते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, स्पेशली जिन बच्चों को लैंग्वेज कोर्सेस करना है, जैसे जर्मन है, चाइनीज है, ठीक है, वो बच्चे जरूर कॉन्टैक्ट कर ले, उनका अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छे प्लेसमेंट के साथ एडमिशन करा सकते हैं। ओके, खोने को कुछ नहीं है, पानी को बहुत कुछ है, ओनली फॉर 5,999 रुपए के अंदर यार पूरा एडमिशन मिल रहा है, और तो क्या कर सकते हैं इसके लिए। ओके, और अगर अपन बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ सभी को पता है नॉर्मली पेपर थोड़ा लेंथी ज्यादा नहीं था। ठीक है, तो कट ऑफ का पता ही कितनी जाएगी। ठीक है बच्चा पार्टी, और यार बस फोड़ते रहना है, पढ़ाई करते रहना है। जिसको एरोस्पेस एरोनॉटिकल गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना है वो ले सकते हैं, दिस इज फुली गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज PSAIC पटियाला, एंड दिस इज सिचुएटेड इन मिलिट्री बेस, इंडियन आर्मी कैंपस, इंडियन एयरफोर्स कैंपस। यार अगर मैं बात करूँ CU CET की, तो डिस बेनिफिट है वो बस ये जो अच्छे कोर्सेस होते हैं जैसे न्यूक्लियर साइंस है, एरोस्पेस है, एरोनॉटिकल है, यार ऐसे कुछ भी कोर्सेस प्रोवाइड नहीं करती कोई सी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर अपन बात करें इंडिया की, तो वो जो सिंपल कोर्सेस प्रोवाइड करती है यार। बस लाइक आजकल थोड़ा मतलब ये प्लास्टिक रबड़ वगैरह थोड़ा थोड़ा आने लग गया है, लेकिन मतलब इतने दिन बिल्कुल जीरो था। अगर ये एरोस्पेस एरोनॉटिकल वगैरह वगैरह ये भी देने लग जाए तो मतलब बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और यार घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है एडमिशन के लिए, तो बाबा है ही। ठीक है, प्रसाद खिलाओ, एडमिशन पाओ, प्रसाद के अंदर प्रसाद नहीं खाते हम। ठीक है, और जस्ट एडमिशन हो जाएगा तुम्हारा 16 से स्टार्ट। आप यार यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे विजिट करते रहे, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करते रहे जिसपे हम जो हमेशा नोटिस डालते रहते हैं रिगार्डिंग जो भी एडमिशन है उसके, तो यू कैन विजिट कॉलेज एडमिशन डॉट ऑनलाइन। ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत सारे प्लान चलते रहते हैं यार रिगार्डिंग एडमिशन के, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, इंटर्नशिप एंड अदर अदर जो भी होता है। ठीक है, तो
यार ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है ठीक है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और इसके ऊपर एडमिशन के रिगार्डिंग जो भी है थंबनेल वगैरह है वो चलता रहता है ठीक है, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो भी है इसके ऊपर आती रहती है। जैसे आप देख सकते हो हमारे एसपीटीयू के एडमिशन चल रहे हैं, आईसर के चल रहे हैं, नाइसर के चल रहे हैं, एयरोस्पेस में डायरेक्ट ले सकते हो, आईकी गुजराल के राउंड चल रहे हैं ठीक है, नवरात्रि स्पेशल सेंट्रल यूनिवर्सिटी डायरेक्ट एडमिशन प्लान 5,999 रुपए में चल रहे हैं अभी ठीक है। और भी नीचे जैसे किसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ, किसका खत्म होने वाला है, सारा सब कुछ हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है। एडमिशन के रिगार्डिंग, इंटर्नशिप के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो साइंस सीएस है भी आप जस्ट फोन पे गूगल पे पेटीएम नंबर दिया गया ठीक है। वैसे हमारा पेमेंट पोर्टल है, पेमेंट गेटवे हमारा खुद का फीचर ऑफ इंडिया पेमेंट पोर्टल ठीक है। और जस्ट यार सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देना चाहूंगा कि जिन बच्चों का एडमिशन हमारी काउंसलिंग सर्विसेज के थ्रू हो जाता है तो सबसे पहले उनको बता दूं कि उनके सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होते हैं ठीक है, और अगर वो फीस पे नहीं करते हमारी तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा ठीक है। और जस्ट उनको फीस पे करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में ठीक है। उसके लिए कोई भी यूनिवर्सिटी एलिजिबल नहीं है और कोई भी यूनिवर्सिटी हमारे परमिशन कराते हैं उसमें कोई इशू नहीं है ठीक है। तो जो बच्चे अपना फीस पे नहीं करते हैं डायरेक्टली, ऐसा बहुत बार देखा गया कि हमसे जस्ट काउंसलिंग जो भी लेटर होता है, क्योंकि जस्ट जो बच्चे फीस पे नहीं करते हैं हम एनरोलमेंट उनको दे देते हैं लेटर ठीक है, तो जस्ट वो हमें पैसे नहीं देते बाद में ठीक है। तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होते हैं यार, आधार कार्ड से लेकर मार्कशीट से लेकर जेई का सर्टिफिकेट से लेकर उनके इनकम वो फैमिली के सर्टिफिकेट लाइक मूल निवास आधार कार्ड सारे टोटल सर्टिफिकेट होते हैं। तो जो मतलब जो महान इंसान होते हैं वो थोड़ा अपना केयर करें ठीक है, जो उतना जो सोच सकते हैं हम उससे जस्ट वो खत्म करते हैं वहाँ पे, वहाँ से ऊपर सोचना स्टार्ट करते हैं ठीक है। जो भी महान बिहार के स्पेशल स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को ज्यादा महान ना समझे, क्योंकि उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 4,00,000 रुपए तो सभी को दिलाते हैं, तो जैसे हमारी काउंसलिंग फीस देने में कोई उनको ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है। एंड आपकी ऐसी सोच कभी नहीं होनी चाहिए कि जस्ट अपना एडमिशन ले लेते हैं और फीस पे नहीं करते हैं ठीक है। ऐसा हो भी सकता है रियर केस के अंदर, अगर आपकी सिचुएशन ठीक नहीं है तो ऐसा हो सकता है, लेकिन सभी के लिए ये पॉसिबल नहीं है ओके बच्चा पार्टी। सो प्लीज सपोर्ट मी, प्लीज कोऑपरेट एंड डोंट केस दिस रियर केसेस ठीक है। ऐसा देखा जा रहा है पिछले वीक से कि बहुत सारे बच्चे ऐसा कांड करने के लिए तैयार है, पैसे पे नहीं कर रहे हैं ठीक है, तो ऐसा ना करें बिल्कुल भी ओके। तुम्हारे लिए करते हैं सब कुछ, और क्या करना है, यूट्यूब वगैरह से एक भी इनकम नहीं आती है ठीक है। वेबसाइट वगैरह पे बहुत कुछ लगता है भाई, डोमेन है, होस्टिंग है, समझ रहे हो ठीक है ओके। थैंक यू सो मच, एडमिशन हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, खूब पढ़ो, बहुत कम मजा करो। थैंक यू, गुड लक।